आपका स्वागत है नित्या क्लासेस में और मैं ललित धमानिया फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने लेकर आया हूं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट। आपसे पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था कितनी आसानी से आप किसी भी दिए हुए नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 सेकंड में हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सभी जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जितने स्क्वायर हमें याद हो जाएंगे, जितने स्क्वायर हमें ज्यादा से ज्यादा याद कर लेंगे उतने ही लंबे स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर पाएंगे, कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसा कि आपको पता है कि अगर स्क्वायर की बात करें तो हमें पता है कि अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100 एंड सो ऑन। जितने आप ज्यादा याद कर लेंगे उतना ही क्वेश्चन आपका आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि हम कुछ सिमिलरिटी देखते हैं कि हम क्या सिमिलरिटी इनके बीच में है। हम ढूंढेंगे इनके यूनिट प्लेस यानी इकाईकांक। अगर मैं एक की बात करूं तो एक का इकाईकांक 1 है, 2 का स्क्वायर का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 4, 9 का 1। अगर इकाईकांक देखिए तो इस तरह से लगातार चले आ रहे हैं तो मैं सिर्फ 9 तक की बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि डिजिट में सिर्फ 9 तक ही हम क्वेश्चन को करते हैं, बाकी क्वेश्चन आगे शुरू करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि हम देखते हैं कि इसमें हमें सिर्फ अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हमें इनके इकाई के अंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देख लेते हैं कि 1 का 1 है तो अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की बात करता हूं क्योंकि किसी भी यूनिट प्लेस का हम सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोल रहेगा कि हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस में इकाई का अंक किस किस के बीच आता है, 1 और 9 पर। ऐसे ही इकाई का अंक 2 और 8 पर 4 आता है, ऐसे ही 9 जो आता है वो 7 और 3 पर आता है, ऐसे ही 6 जो इकाई यूनिट का प्लेस है वो 4 और 6 पे आता है। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। तो शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही ट्रिक है जिसके थ्रू आप चुटकी बजाएंगे और 2 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और फाइंड करते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्द विद इन 2 सेकंड्स आप उसका आंसर ले लेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। सपोज मैं बहुत एक आसान सा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मुझे 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 144 हम सभी को पता है बहुत आसान है कि 12 का स्क्वायर रूट हम याद करके रखते हैं कि 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है, लेकिन इसको करने के लिए हम जो तरीका बताना चाहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं लगा ये 12 है तो इसको हम आगे फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जो हमारा तरीका है वो बहुत ट्रिक बड़ी आसान है। हम देखते हैं कि हमारे 4 गिवन है यूनिट प्लेस पर, इकाई का अंक 4 है, तो हम देखते हैं कि 4 किस किस के इकाई के अंक पर आता है। जैसा हम टेबल में देख पा रहे हैं, अभी शुरुआत है तो समय लगेगा लेकिन ऐसे में याद हो जाता है कि 4 जो इकाई का अंक है वो 2 और 8 पर आता है, तो इकाई का अंक 2 और 8 इन दोनों प्लेसेस पर आता है, या तो 2 पर आएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, तो इनका इकाई का अंक कितना होता है 4। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इकाई का अंक ही ढूंढना है। अभी हो सकता है आपको लग रहा है लंबा प्रोसेस है लेकिन आप बड़े परेशान हो जाते हैं जब किसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं कि फैक्टर निकालो या भाग विधि से निकालो, तो वहां सब चीज को एलिमिनेट हम दूसरे तीसरे क्वेश्चन से इतनी स्पीड कर लेंगे, इतनी स्पीड से क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा और ये सब सॉल्यूशन आपकी विदाउट पेन और पेपर आप कर पाएंगे। तो मैंने देखा कि यहां पर क्या है, यूनिट प्लेस 4 है और इसके इकाई का अंक 2
और 8 हो सकता है जिसमें भी एकाएक अंक आएगा। इसके बाद हम देखते हैं हम राइट टू लेफ्ट एक काम करते हैं हम राइट टू लेफ्ट जो है क्वेश्चन में यहां से 2 डिजिट्स को रिमूव कर देते हैं कि 2 डिजिट हमने इसमें से निकाल दी, 2 डिजिट हमने इसमें से रिमूव कर दी और जो बचा यहां पर क्या बचा, परफेक्ट 1 बच रहा है तो हम सिर्फ 1 बच रहा है तो यहां पर 1 फिक्स हो जाता है। और यहां पर देखते हैं कि 1 किस किस के बीच में लाई करता है कि 1 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है तो यहां पर क्या हुआ, 1 फिक्स हो गया है। और अब हम करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, जिसके बीच में लाई करा तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो 2, और इसको देखते हैं कि ये नंबर जो बचा हुआ है ये छोटा है बड़ा है, अगर ये छोटा नंबर है तो यहाँ पर छोटी वैल्यू, अगर ये बड़ा नंबर है इससे तो यहाँ बड़ी वैल्यू, छोटा नंबर है तो ये 12 का स्क्वायर रूट ऑफ 144 तो 12 है। अभी एक और कुछ क्वेरी लेते हैं जिससे आप उसको आसानी सॉल्व कर पाएंगे, मैं एक और क्वेरी ले रहा हूँ उसमें देखिएगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 529, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, मैंने कहा 529 लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर देखा 9 किस किस के इकाई के अंक पे आता है, 9 आता है किस किस के अंक पर, 3 पर और 7 पर, 3-7 पर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बाद में कौन सा आएगा, लेकिन ये पता है कि इन दोनों में से एक जो है वो इकाई का अंक बनेगा। क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट छोड़ देते हैं, जो डिजिट बचती है उसको देखते हैं वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आती है। तो देखा मैंने 5 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, 2 × 4 और 3 9, तो 5 बीच में आया, तो हम हमेशा है छोटा वैल्यू लेते हैं, छोटा वैल्यू 2 तो फिक्स हो गया। अब इन दोनों की हम गुणा करेंगे जो होती है 6, और इसको देखेंगे ये 5 जो है 6 से छोटा है या बड़ा है। देखा हमने 5 6 से छोटा है तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी, 3 और 7 में से 3, तो हमें 3 लिख देंगे, उसका मतलब क्या है ये 23 जो है 529 का परफेक्ट स्क्वायर है। अभी ये और वैल्यू देखेंगे, सपोज हम एग्जांपल और लेते हैं। देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे हम तेज करेंगे एक चीज को, तो आपको लगता है शायद आप बहुत फास्ट इसको कर पाए। 27 लिखा, सॉरी मैंने लिखा 729, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो फिर देखते हैं 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमने देखा 729 का मल्टीप्लस 9 जो आता है किस पर, 3 पर या 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर। 2 डिजिट छोड़ दिए हमने, देखा ये 2 है और ये 3 है, 2 × 4 3 × 9, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करा 7। हमने क्या कहा था अभी आपसे, सबसे छोटी वैल्यू आपको लेनी है, दैट इज 2, इन दोनों में छोटी वैल्यू 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 2 × 3 = 6। अब 6 जो है वो 7 छोटा है, इन 7 जो है वो 6 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो बड़ी वैल्यू, ये वाला छोटा है छोटी वैल्यू, तो बड़ा है तो बड़ी वैल्यू 27, ये 27 का स्क्वायर रूट हो गया। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अभी क्वेश्चंस हम आगे और लेके बढ़ेंगे, अभी 2-3 क्वेरी लेंगे तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसी में क्वेरी को हम आगे बढ़ाते हैं। सपोज यहाँ लिखते हैं हम, ये एक क्वेश्चन हमने लिखा, देखिए तो कुछ बढ़ा लेते हैं 4624, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4624 सिंपल है, देखिए कितना आसान है, 4624 का यूनिट प्लेस इज 2 होगा या फिर कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 × 4 और 8 × 64, कैसे देखा 8 का 64 होगा 4, 2 और 8, समझ गए आप, यूनिट प्लेस 4 2 का हो सकता है या 8 का हो सकता है, 2 डिजिट छोड़नी है, ना सिर्फ 2 डिजिट आपको छोड़नी है। अब ये 2 डिजिट छोड़ दिए, 46 बचता है यहाँ पर, 46 देखिए किस किस के स्क्वायर रूट के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, देखा मैंने तो ये किसके बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में ये आता है, क्योंकि 6 × 6 = 36 होते हैं और 7 × 7 = 49, तो 46 जो है वो 36 × 49 के बीच में आता है। क्या करना है, इनमें सबसे दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 6, तो फिक्स हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या आता है 42, देखते हैं 40 42 से बड़ा है छोटा है, 40 बड़ा है ना 42 से, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, आ गया स्क्वायर रूट निकल के, देखिए आपको कितना आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, सपोज हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं,
इसको देखते हैं क्या करते हैं इसमें। देखिए तेतर छान में मैंने लिया, यहां पर क्या किया मैंने, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, यहां पर देखा 7396 गिवन है, ये 6 सिर्फ किस किस के इकाई के अंक पर आ सकता है, ये 4 पर आएगा या फिर ये 6 पर आएगा, 4 चौक 16 और 6 36, 4 के यूनिट प्लेस पे आता है या 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है, दो डिजिट छोड़ दिए हैं। आगे देखा हमने यहाँ पर क्या हो, 73 किस किस के स्क्वायर रूट के स्क्वायर के बीच में आता है, 73 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, मैंने देखा ये आता है 8 और 9, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81, तो 73 दोनों के बीच में लाई करता है। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, यहाँ बड़ा करके 72 आता है, हमें पता है इन दोनों छोटी वैल्यू को लेना है, छोटी वैल्यू 8 है, दोनों को देखा 72 गुणा होके आया है, 73 बड़ा है छोटा है 72 से, बड़ा है तो बड़ाई के लिए बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो 86 का आ गया। देखिए कितने आसानी से, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देखते हैं हमें पता है 5 का स्क्वायर के बाद में ही 5 आता है, तो सिंपल हो गया 5 तो फिक्स ही हो गया, दो डिजिट छोड़ दी, यहाँ से देखा क्योंकि 5 5 पे क्यों आता है, इधर देख लीजिए चाहे, यहाँ देखा तो ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, ये आता है 10 और 11, क्योंकि 10 2 100 और 11 में 11 की मल्टीप्लाई, तो 121, 110 जो है वो किस किस के बीच में आता है, 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर में, तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी, 105 हो गया। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अब देखिए आप कितनी जल्दी से कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैंने ले लिया है सपोज 12544 का आपको स्क्वायर रूट वर्ग मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे पता है आपको कि 12544 है भाई, इसका क्या करना है, इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, दो डिजिट छोड़ देनी है 125, या तो 11 के बीच में आएगा या 12 के बीच में आएगा, दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है 11, अब ये फिक्स नहीं हो रहा है, दोनों में 2 आएगा फिर 8 आएगा, अब क्या करते हैं दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 की मल्टीप्लाई करो, पता है कि क्या करना है, 1 और 2 को ऐसे लिखना है, दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है, 1 और 2 जूस में मल्टीप्लाई 11 की होगी, आप एक इसमें मैंने पहली वीडियो में बताया था कैसे करते हैं 11 की मल्टीप्लाई, कि 1 और 2 को ऐसे ही रखना है और उन दोनों के बीच में इन डिजिट को सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 132 छोटा है 125 132 से, तो छोटी वैल्यू लिख दीजिए, ये 112 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 112 हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आज हमने सीख लिया निकालना, कि हम किसी भी दिए हुए नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या प्रत्येक वर्ग मूल कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़ी आसान तरीके से समझा, होप सो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसके लिए मैं कमेंट में दे रहा हूँ, आपको कोई क्वेरी है आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे क्लासेस के नंबर पर आप कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि इस वीडियो के द्वारा बहुत से लोगों का भला हो पाए। धन्यवाद।